संपूर्ण विश्व एक कठिन चुनौती के दौर से गुजर रहा है। ऐसे कठिन समय में मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं। पूरे देश और विश्व के सामने कोविड-19 कोरोना के रूप में एक बड़ी चुनौती खड़ी है। हर संकट का समाधान सहयोग होता है। यहां पे एक सहयोग की भावना का मूल क्या है? हमें सोशल डिस्टेंसिंग कायम करनी है, हमें घर में लॉकडाउन रहना है, क्योंकि हम सभी लोग अभी तक जान चुके हैं कि यह मानव से मानव में फैलता है। अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग करके इस श्रृंखला को तोड़ दें, इस चैन को तोड़ दें, तो हम इसको रोक सकते हैं। 21 दिन का लॉकडाउन है। यह राष्ट्रप्रेम दिखाने का एक सच्चा समय है। यह हमारे सामाजिक उत्तरदायित्वों का एक सच्चा समय है। हम सभी लोगों को न केवल स्वयं को प्रेरित करना है, बल्कि अपने आसपास के जो लोग छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं, हमें उनको भी प्रेरित करना है। हम ऐसा वर्ग हैं, हम सभी लोगों पर जिम्मेदारियां कुछ ज्यादा है। सामाजिक उत्तरदायित्व भी यहां पे हमको देखने हैं, क्योंकि हम ही लोग इन जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकते हैं और सबको प्रेरित कर सकते हैं कि क्या इससे बचने के उपाय हैं। ये एक ऐसा युद्ध है, एक ऐसी संकटकालीन परिस्थिति है कि जिसमें घर में बैठ के ही जीता जा सकता है। इस समय यदि आप घर में बैठ के देश और अपने समाज का सहयोग करते हैं, इस विश्व का सहयोग करते हैं, तो आप सबसे जिम्मेदार नागरिक होंगे, आप सच्चे राष्ट्रभक्त होंगे और ये माना जाएगा कि आप एक सच्चे मन से इस समाज को सर्व कर रहे हैं, इस देश को सर्व कर रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी हमारी ज्यादा इसलिए बनती है क्योंकि हम शिक्षित वर्ग हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बहुत अलग अलग दूरस्थ क्षेत्रों पर होंगे, वहां पर लोग छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं। इस समय आप उन सभी को प्रेरित करिए। साथ ही साथ संस्थान भी पूरी तरह से आप लोगों के साथ खड़ा हुआ है। कल आलोक सर ने एक वीडियो बनाया था और उन्होंने कहा था कि संस्थान की तरफ से कभी भी, ईश्वर करे कोई ऐसी परिस्थिति ना आए, लेकिन किसी के समक्ष अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो संस्थान पूरी तरह से आपके साथ है। संस्थान में चलने वाले सभी बैच सुचारू रूप से चल रहे हैं। हम इन कठिन परिस्थितियों में भी लगातार आप सबको क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं रिकॉर्डिंग के माध्यम से। सभी टीचर्स को हमने घर में व्यवस्था उपलब्ध कराई है कि वो घर से ही अपना कार्य कर सके, घर से ही अपनी क्लासेस दे सके। आपको नोट्स भी लगातार भेजे जा रहे हैं। हाँ, कुछ कम क्लासेस जा रही है, जहां 6 क्लास जा रही थी वहां पे 4 ही क्लासेस जा रही हैं, जहां पे 3 क्लास जाती थी वहां पे 2 ही क्लासेस जा रही हैं, लेकिन हमने पूरी व्यवस्था की है कि किसी भी कीमत पर आपका अध्ययन भी ना रुक पाए, क्योंकि आपके अध्ययन करने के लिए भी ये सबसे सही समय है। इस समय संस्थान जिम्मेदार पूर्ण तरीके से आपको इंगेज रखना चाहता है, आपको कार्य देना चाहता है, ताकि आप घर पर रहें और आप अपने मूल्यवान समय का सदुपयोग कर सकें। इसी क्रम में प्रत्येक बैच में लगातार क्लासेस संचालित की जा रही हैं। पूरे नोट्स डिपार्टमेंट को वर्क टू होम दिया गया है। सभी टीचर्स को घर पर कैमरे के साथ एक व्यवस्था की गई है कि वो घर से ही अपनी क्लासेज ले सके और रिकॉर्डिंग मोड में क्लासेज हमें दे सके। हम लगातार पीसीएस सहित सभी बैचेज में आप लोगों को क्लासेज भेज रहे हैं, और जो कमिटमेंट्स हमने आपसे किए थे इस मुश्किल दौर में भी, हम उन कमिटमेंट्स पे आपके साथ हैं। हम आप सभी लोगों से अपील करना चाहते हैं कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ें और सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए उपायों का पूर्णतः पालन करें, क्योंकि हम घर में बैठ के ही इस महत्वपूर्ण महामारी से जीत सकते हैं, हम इस युद्ध से जीत सकते हैं। आप सभी लोग अपने आप को पूर्णतः लॉकडाउन रखें। हम सभी लोगों ने भी अपने आप को लॉकडाउन रखा है और जितना बन रहा है, हम समाज के लिए अपने घर से, हम आपके लिए अपने घर से, हम अपने घर से ही लगातार आपको सर्व कर रहे हैं। और मैं आपसे भी यही अनुरोध करूंगा, आप भी ऐसा ही करें। इस कीमती समय में आपका नुकसान ना हो तो पीसीएस बैच में लगातार हमारी कक्षाएं चल रही हैं। अगर आप पीसीएस बैच में प्रवेश लेना चाहते हैं तो नीचे स्क्रॉलिंग में जो नंबर दिए गए हैं, आप उन नंबर्स पर फोन करके प्रवेश सुनिश्चित करा सकते हैं। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर आप एंट्री यूपीपीसीएस लिखकर आप अपने प्रवेश को सुनिश्चित करा सकते हैं। यह एक मूल्यवान समय है, आप ईमानदारी से संयम रखें, आप समझदारी दिखाएं, आप अध्ययन करें। अगर हम तीनों ही बातों को ध्यान से रखते हैं, संयम, समझदारी और अध्ययन, तो ना केवल इस महामारी से निपटने में हमें सफलता मिलेगी, बल्कि हम परीक्षाओं में भी सफल होंगे, क्योंकि एक साउंड टाइम है आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए। आप घर रहिए, लगातार पढ़ाई लिखाई करिए। हम 7 से 8 घंटे की कक्षाएं प्रतिदिन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम सभी नोट्स को आपको भेजने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और हम लगातार ऐसा आपके साथ करते रहेंगे। और आइए पूरी स्वच्छता, पूरी सरलता, पूरी सजगता के साथ अपने शैक्षिक और सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए
हम कोरोना को हराएंगे और निश्चित रूप से हराएंगे। ईश्वर हमें इतनी शक्ति दे कि हम सभी लोग ये सब कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।